हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बाय बेसिक्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन होमोजाइगस वाइल्ड टाइप फीमेल ड्रोसोफिला। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाइल्ड टाइप होता है उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अ ट्रिपल म्यूटेंट मेल्स। ट्रिपल म्यूटेंट यानी कि तीनों जीन में म्यूटेशन है, इसलिए कोई भी प्लस साइन नहीं है। द ऑर्डर हियर इज आर्बिट्री, अभी हमें पता नहीं है कि ऑर्डर क्या है। द F1 जो F1 फीमेल, F1 में जो प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी जो मिलती है उसका कराया गया है फिर टेस्ट क्रॉस बैक टू द ट्रिपल म्यूटेंट फीमेल, फिर से उसी रिसेसिव मेल के साथ में। एंड F2 फिनोटाइप रेशियो आर एज फॉलोज, और ये उन्हें F2 प्रोजेनी में मिले हैं। और पूछा गया है कि कैलकुलेट द जीन ऑर्डर, हमें जीन ऑर्डर पता करना है, और डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ABBC एंड CA। तो बड़ा सबसे पहले हम इसमें इसको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि यहां पर जो फीमेल ड्रोसोफिला है जो पेरेंटल टाइप में है यहां पर, उस पर ये तीन जीन्स जो कि एक ही क्रोमोजोम पर लोकेटेड है, और A+, A+, B+, B+, C+ और C+ ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यहां से जब इस फीमेल को क्रॉस कराया जाता है एक मेल के साथ जिसका जीनोटाइप है a, b, c ऑन वन क्रोमोजोम एंड अनदर ऑन अनदर क्रोमोजोम अगेन इट इज a, b एंड c बिकॉज बोथ आर होमोजाइगस एंड इट इज मेल। एज वी नो दैट कि यहां से जो गैमेट बनेगा वो गैमेट क्या होगा, वो गैमेट होगा a+, b+ और c+। यहां से जो गैमेट बनेगा वो गैमेट होगा a, b, c, और जब इन दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो यहां पर F1 प्रोजेनी में हमें ये मिले, राइट, एंड इट इज फीमेल। और यही यहां पर गिवन है कि F1 प्रोजेनी में a+, a, b+, b, c+, c यहां पर हमें मिला। फिर इन्होंने इसी फीमेल को रिसेसिव मेल के साथ, जैसा कि टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, और टेस्ट क्रॉस में हम जानते हैं कि रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, a, b, c और a, b, c इसके साथ क्रॉस कराया है, और F2 प्रोजेनी में ये रेशियो हमें मिला है, ये ऑफस्प्रिंग्स हमें मिले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन से जीनोटाइप पेरेंटल टाइप है और कौन से जीनोटाइप रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो यहां पर सबसे अच्छा तरीका है इसको जानने का कि जो भी पेरेंटल टाइप होंगे, पेरेंटल टाइप टाइप्स आर ऑलवेज मैक्सिमम इन नंबर, ये बात आपको याद रखनी है, ये मैक्सिमम है नंबर में। अब देख लेते हैं, द वन इज द 308, ये कैसे हैं, ये पेरेंटल टाइप हैं, और ये कैसे हैं, ये भी पेरेंटल टाइप है। इट मींस कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पर जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स आ जाते हैं और वो पेरेंटल टाइप के नहीं रहते। पहला तो हमारा ये हो गया। सेकेंडली हम इसमें जानते हैं कि डबल क्रॉस ओवर कहां पर होता है। तो डबल क्रॉस ओवर जहां भी होगा, सो हमेशा ये याद रखना है जो मिनिमम नंबर के ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो डबल क्रॉस ओवर में होंगे। इट मीन्स कि ये 15 और ये 18 जो कि
सबसे कम नंबर में है अगर हम इनकी अमंग्स द दीज ऑफस्प्रिंग्स देखें. सो दीज 18 आर शोइंग द डबल क्रॉसिंग ओवर, और ये वाला भी क्या शो कर रहा है, डबल क्रॉसिंग ओवर. डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वहां पर प्रोजेनी कम हो जाएगी. तो बचे हुए जो भी हमारे पास हैं ये सब क्या हैं, ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर के रिकॉम्बिनेंट हैं. अब हम सबसे पहले जीन ऑर्डर को जानने के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें कि हमें यहां पर क्या करना है. हमें जो पेरेंटल टाइप के जीनोटाइप हैं उस पेरेंटल टाइप के जीनोटाइप को, जो कि यहां पर देखेगा क्या है, ये है, और दूसरा पेरेंटल टाइप का जो जीनोटाइप है वो ये है. यानी कि पेरेंटल टाइप के जीनोटाइप को हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो पेरेंटल टाइप का जो जीनोटाइप है वो है ए प्लस, बी प्लस और सी प्लस, और दूसरा जो पेरेंटल टाइप का जीनोटाइप है वो है वो ए बी और सी. अब हम दूसरा यहां पे नोट डाउन करेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर का जीनोटाइप. जो डबल क्रॉसिंग ओवर का जीनोटाइप है आप देखेंगे वो है ए बी प्लस एंड सी प्लस, एंड दूसरा जो है इट इज ए प्लस बी और सी. जैसा कि जो हमने है, ये वाला हमने पेरेंटल लिया और ये वाला हमने डबल क्रॉसिंग ओवर लिया. अब हम सबसे पहले इन दो जीनोटाइप को कंपेयर करते हैं, यहां से हमें जीन ऑर्डर का पता चल जाएगा. अगर आप इसको कंपेयर करें और टेक्निकली देखें कि अगर यही ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर सिंगल क्रॉस ओवर करके इधर से उधर जा सकता है. यानी कि अगर यहां पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर में ये ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और सी बन सकता है. लेकिन यहां पर कैसा हुआ है, यहां पर डबल क्रॉस ओवर है. और अगर डबल क्रॉस ओवर हुआ है और ए को इधर शिफ्ट करना है जैसा कि यहां पर हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज हो रखा है. तो अगर हमें यहां पर डबल क्रॉसिंग ओवर को स्टडी करना है तो हमें पता है कि यह तभी पॉसिबल है जब जो ए है वो सेंट्रली लोकेटेड है. लिख लेते हैं बी प्लस ए प्लस सी प्लस और ये बी ए और सी. तो अब अगर हम यहां पर डबल क्रॉसिंग ओवर करें इन बिटवीन बी एंड ए, ए एंड सी, तो जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो इंडिविजुअल्स क्या होंगे, बी प्लस ए, ए विल कम फ्रॉम हियर एंड सी प्लस, और यहां पर बी ए प्लस और सी. ए इधर तभी शिफ्ट हो सकता है जब वहां पर डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ हो. तो हमें यहां से पता चल जाता है जीन ऑर्डर. और आप देखेंगे कि जो जीन ऑर्डर है वो है बी ए सी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी. ये अब हमारा जीन ऑर्डर हमें पता चल गया कि ये क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम पर द बी इज लोकेटेड हियर, ए इज लोकेटेड हियर एंड सी इज लोकेटेड हियर. राइट, चलेगा. अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं. और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें कैलकुलेट करना होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज वी नो दैट 1% फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इक्वल्स टू 1% ऑफ द मैप यूनिट, इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट. तो यहां पर हम इस प्रोजेनी पे आते हैं और इस प्रोजेनी का जीनोटाइप हम नोट डाउन करते हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो हियर ए बी प्लस एंड सी, ए बी प्लस एंड सी, एंड द अनादर वन इज ए प्लस बी एंड सी. So as we know the order is
बी ए सी, ये ऑर्डर है अभी हमने कैलकुलेट किया, और दूसरा यहां पर भी बी ए सी। अब इस जीनोटाइप को हम यहां पर लेके आते हैं, यानी कि बी प्लस यहां पर है इस वाले जीनोटाइप पे, और इस वाले में ए प्लस यहां पर है। सो इस और सी प्लस भी यहां पर है, राइट। अब अगर आप देखें तो यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो ये हुआ है, क्योंकि बी यहां शिफ्ट हुआ है इधर से, और बी प्लस यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। इट मींस कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या कह सकते हैं बी एंड ए। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखते हैं वहां पर क्या प्रोजेनी का नंबर क्या दिया है रिकॉम्बिनेंट्स का। सो यहां पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर में जो नंबर दिया है वो है 112, अनदर नंबर इज 102। नोट डाउन कर लेते हैं, इट इज 112 प्लस 102। एंड वी विल नॉट फॉरगेट हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कि यहां पर आप डबल क्रॉसिंग ओवर को नहीं छोड़ेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर को भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो वहां भी हुआ है, राइट। तो इसलिए द नंबर्स आर 18 एंड 15 विच आर इन डबल क्रॉसिंग ओवर। ये आपको याद रखना है कि डबल क्रॉसिंग ओवर भी आपको रखना है, एंड डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो होगा 8, 5, 13, 15 एंड 17, 1, 2, 3 एंड 1 कैरी, 4 एंड 1 एंड 1, 2, 247 टोटल रिकॉम्बिनेंट्स हमें यहां से मिले, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, कट डाउन दिस टू जीरोस एंड द आंसर इज 24.7 सेंटी मॉर्गन या मैप यूनिट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ वी कैलकुलेट सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सो फॉर द ए एंड सी अगेन यू विल सी हियर द रिकॉम्बिनेंट्स आर हियर एंड हियर, एंड यू विल सी देयर इज द एक्सचेंज बिटवीन सी। यू कैन सी द डिफरेंस ओनली इन दिस सी एंड दिस सी प्लस, राइट। इट मीन्स द क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस बिटवीन सी, एंड वी नो द ए इज लोकलाइज्ड इन सेंटर, सो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड सी। सो हियर यू विल नोट डाउन द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, दैट इज द 66 एंड 59, 66 प्लस 59, एंड डोंट फॉरगेट अगेन यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ऑलवेज यू हैव टू ऐड द डबल क्रॉसिंग ओवर नंबर इंडिविजुअल एज वेल, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 18 एंड 15 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। सो कैलकुलेट इट, 8, 5, 13, 9, 22, 6, 28, 2 इज कैरी, 3, 4, 10 एंड 15 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यू कैन कट डाउन द टू जीरोज एंड द आंसर इज 15.8। ओके, सो दिस इज सेंटी मॉर्गन और मैप यूनिट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सो इफ यू ड्रॉ अ मैप ओवर हियर, it is B here, it is A and it is C, जैसा कि हमने order calculate किया था।
सो जो डिस्टेंस हमारी ए और सी के बीच में आई है वो डिस्टेंस है हमारी 15.8 सेंटीमोर्गन और मैप यूनिट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वॉज, we calculated it 24.7. So the total distance between, now you can calculate the distance between B and C will be 24.7 plus 15.8, and the answer would be 8715. One is carry, 549, and the 10 will be there, and the 1 is the carry, 2, 1, 3 and 4. The total distance between B and C will be, map unit कह सकते हैं या centimorgan भी कह सकते हैं. So it is the distance between B and C, and the answer is 40.45 map unit. I hope you understood all this explanation. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जो आप से सोल्व नहीं हो रहा है या आपके अभी भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी द पर्सनल मैसेज और यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट्स, सो आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.